मकसद बा यह मधुबनी कलाकारी यह टिकुनी कलाकारी जे की बिहार में 800 साल से चलता यह सिक्की से बनल पोती सिक्की कलाकारी बिहार में 400 साल से चलता यह कासा की थाली जे की कोइलवर के पास परेब में मिले धन्यवाद द जी आई टैग और द ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग ऑफ बिहार विच इज एक्चुअली ग्रांटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और अ प्रोडक्ट ऑफ एनी ज्योग्राफिकल रीजन सो बिहार हैज ऑलमोस्ट 14 ज्योग्राफिकल जी आई टैग in which the Madhubani painting, Sikki brass work, and the Bhagalpuri Katarni rice, Balushahi, Litti Chokha are also included in the GI tag list of Bihar. Chhath Puja is a festival celebrated in Bihar where we worship sun. And you must have seen rituals where the rising sun is worshipped, but in this Chhath Puja, we worship the rising sun as well as the setting sun. This is an event, this is a geography exhibition organized by Kamal High School. The participants are right from class 6 to class 12, and they have exhibited a lot of models related to dam, hydroelectricity, global warming. Then they are also showing the latest features of geography, that is GPS and GRS, remote sensing. Then they are also showing the side effects of global warming, ozone depletion. There are many small children also. They are showing the layers of the earth, and they have took a lot of trouble to exhibit this and aware the world about the climate change. The theme for the exhibition is climate change. Geography project कराने का या exhibition कराने का main motive है practically doing and learning. इसे बच्चों ने खुद से बनाया है, खुद से किया है और खुद से सीखा है. कैसे कोई भी event है, कैसे काम करता है. Basically we have concentrated over practically doing and learning. Doing and learning पे हमने main concentrate किया है. And we have tried to show geography कैसे evolve हुआ है. पहले लोग geography अर्थ के बारे में पढ़ते थे. अब है कि जब ज्योग्राफी सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ना ना रह कर उससे ज़्यादा और इम्प्लाई करता है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, GIS. तो नए फील्ड जो ऐड हुए हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है. मतलब एक ज़ीरो से लेके 100 तक का हमने शो करने का कोशिश किया. दूसरी चीज़ है कि अब ज्योग्राफी जो है वो एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हो गया. इट इज़ कोरिलेटेड विद ऑल द अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ्स, sociology, economics. So all the branches they cover. That is why geography is known as an integrated subject. और इसको science के भी group में involve कर दिया गया है बहुत सारे universities में. इसको ये भी कहा जाता है mother of all sciences. कोई भी concept आप physics पढ़िए तब भी आपको earth की ज़रूरत है, chemistry पढ़िए तब भी earth की ज़रूरत है, maths का concept बताना हो तब भी आपको earth की ज़रूरत है. तो geography मतलब earth. और जो भी अगर आप subject पढ़ाए इंग्लिश हिंदी भी पढ़ा रहे हैं तो उसका थीम भी आप ज्योग्राफी से ही ले रहे हैं, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहते हैं. तो हमने इस प्रोजेक्ट से ये कोशिश की है कि बच्चे भी ये सीखें, पेरेंट्स भी ये जानें कि ज्योग्राफी कितना वाइडर फील्ड है. ये एक अपने आप में एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट ना रहकर एक डिसिप्लिन है, एक मत है पूरा. से बाहर नहीं आएगा तो दूसरे एरियाज पे अर्थक्वेक आ सकता है. बहुत अच्छा लग रहा है और इस पूरा एटमॉस्फेयर कैसे होता है लोगों ने एक्सप्लेन किया है. तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उसमें होल्स होते जा रहे हैं और जो होल जो ओजोन लेयर है उसका यह काम है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से. We have leeches of Muzaffarpur, Madhubani paintings of Madhubani district.
ज़्यादा है। हम लोग मार्स के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और हम लोग उसमें बसने की भी तैयारी कर रहे हैं।